हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो यहाँ पे हम लोग अब सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर को बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को देखेंगे। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, कैसे परफॉर्म करता है, इसका एक्शन क्या होता है, वो चीज़ को मैं हिंदी में क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। देखो, ऑपरेंट, टू ऑपरेंट को मतलब उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म कराकर जो रिजल्ट निकलता है वो सिंगल फॉर्म में निकलता है। ओके, ये हुआ लॉजिकल में, ठीक है। बेसिकली लॉजिकल में आप दो से अधिक ऑपरेंट को एक साथ मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। लॉजिकल का उससे अधिक भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है, लेकिन उसका जो आउटपुट निकलता है वो सिंगल फॉर्म में निकलेगा, वो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो ट्रू होता है तो 1 डिस्प्ले करेगा और फॉल्स होगा तो 0 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशन लॉजिकली, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। दो से अधिक रिलेशन लॉजिकली हो सकते हैं, ठीक है। इट एली मतलब इसका जो एलिमेंट्स प्रोडक्ट जो निकलता है सिंगल रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो सिंगल फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंगल फॉर्म, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, सिंगल फॉर्म में निकलेगा। और सिंगल फॉर्म में भी निकलेगा तो उसमें ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है, बट 1 टाइम 1 रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे एक ही रिजल्ट निकलेगा। और लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ टाइप भी होते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप हमारा होता है वो एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि मान के चलो टू ऑपरेंट है तो बीच में एंड ऑपरेटर लगा दिया जाए, तो वहां पे क्या होगा कि आपका वो दोनों बगल को चेक करेगा, ऑपरेंट 1 और ऑपरेंट 2 को चेक करेगा। अगर दोनों ऑपरेंट अगर ट्रू हो, देख सकते हो इसी परफॉर्म को यहाँ पे लिखा गया है, अगर दोनों ऑपरेंट अगर ट्रू हो, और बीच में हम देखो, बीच में हम लगा के दिखा देते हैं, यहाँ पे हम बीच में एंड ऑपरेटर को लगा देते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा एंड ऑपरेटर, डबल एंड लगाने पे एंड ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। एंड लॉजिकली ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है तो आंसर में क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है तो आंसर में फॉल्स देगा। अगर यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आंसर में फॉल्स ही देगा, ठीक है। अगर फॉल्स है तो आपका फॉल्स निकलेगा, बेसिकली इसको कहने का मतलब यही है कि एंड ऑपरेटर में इधर भी सही होना चाहिए और इधर भी सही होना चाहिए, तो ही जाकर ट्रू देगा। अगर कोई भी एक काम पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होता है तो फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे डिस्प्ले, देखो मैं अलग लैंग्वेज में भी बोल रहा हूँ और इसमें भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा जो है और लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें क्या होता है कि आपका जो द ऑपरेंट, ओके, तो इसको मैं समझाता हूँ। ओके, इसको मैं बताता हूँ आपको। और ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा था, दोनों ट्रू चाहिए, और इसमें क्या है कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है, दोनों फॉल्स नहीं होना चाहिए, यही अंतर इसके अंदर है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ से पेन को लेता हूँ और थोड़ा नीचे लाता हूँ। ओके, अब इसको देख लेते हैं। और ऑपरेटर में हमारा होता क्या है, और ऑपरेटर में हमारा होता है यहाँ पे, और ऑपरेटर जब आप यूज कीजिएगा तो इसमें दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो आंसर में ट्रू देगा, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो आंसर देगा वो ट्रू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा ऑपरेंट 1 और ऑपरेंट 2, और यहाँ पे हम लगा देंगे एम परसेंट, यानी कि और लॉजिकल ऑपरेटर लगा देंगे तो हमारा ट्रू 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 होगा, अगर ट्रू और फॉल्स होता है तो आंसर में ट्रू देगा, फॉल्स नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे भी फॉल्स होगा और यहाँ पे ट्रू होगा तो आंसर में ट्रू देगा, अगर फॉल्स हो गया तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा, ठीक है, मतलब कंफर्म है कि वो फॉल्स ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो नीचे मैं आ जाता हूँ, थोड़ा जाने के लिए और नीचे आता हूँ। अब बचा क्या, एंड
लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैं इसको अब क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। पहला एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, उसमें दोनों ट्रू चाहिए तो ही जाकर ट्रू प्रिंट करेगा। अगर दोनों में से कोई फॉल्स निकल गया तो वो फॉल्स ही प्रिंट करेगा। और ऑपरेटर में क्या बोलता है, दोनों ट्रू हो तो चलेगा, उससे भी चलेगा। अगर दोनों में से कोई, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स भी हो गया तो आंसर में ट्रू देगा, ये और ऑपरेटर का है। और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का क्या कहता है, अगर ट्रू तुम्हारा प्रिंट कर रहा है तो हम फॉल्स प्रिंट करवा देंगे। अगर यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है तो आपका हम ट्रू प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, उसका उल्टा कर देता है, ठीक है, डिस्प्ले में। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली हम कोड के जरिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे सब ऊपर चल जाते हैं, ठीक है, अप कर देते हैं, इसमें डाउन करते हैं। सबसे पहले हम इसका कोड लिखते हैं, ठीक है, एंड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड का कोड लिख देते हैं, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो इसी कोड को हम वहाँ पे करते हैं वीएस कोड में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सी प्रोग्रामिंग कोड को ऑन कर, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको ऑन कर लिया, और इसी इसी कोड को हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सब चीज यहाँ पे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आपको हेडर फाइल में आपको ये कंफर्म है कि आपको इसको लिखना है। मैं प्लस करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता, ओके, चलो इतना चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंट मेन आपको लिखना ही है, ठीक है, सॉरी गाइस, काफी जूम, ओके। और इसके बाद आपको इंट ए वेरिएबल के लिए 6 वैल्यू पुट कर दिए, और बी वेरिएबल के लिए हमने 4 वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या यूज किया, प्रिंट एफ यूज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद परसेंट डी इंटीजर टाइप के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है, वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कोष्टक को स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं 6, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, आउटपुट में ट्रू देगा। कि ट्रू क्यों देगा, क्योंकि दोनों सही है। यहाँ पे ए का मान कितना है 6, और बी का मान कितना है 4, और यहाँ पे भी ए का मान तो वैसे ही पुट हो गया। तो यहाँ पे ए ग्रेटर है कि नहीं है, और बी छोटा है, बी छोटा है और ए बड़ा है, तो इसीलिए ये पूछ रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो ग्रेटर है, इसी कारण यहाँ पे प्रिंट करेगा हमारा ट्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CLR क्लियर करते हैं एक बार हम, और इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इस कोड को कंपाइल करते हैं। सबसे पहले 13 है ना, 13 को कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू के जगह पर 1 प्रिंट करता है। आपको पता है कि ट्रू के जगह पर 1 प्रिंट करेगा, ठीक है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट मान को भी पुट कर सकते थे, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, 6 और यहाँ पे 4, अब ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं 6, और इसके बाद हम यहाँ पे 4 रखते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं, अब फिर से यहाँ पे कंपाइल करते हैं, तो आंसर में वही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा अभी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लेस देन लगा देंगे, यहाँ पे 6 लेस देन 4, ठीक है, 6 लेस देन 4, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर 6 ग्रेटर देन 4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या आएगा, 4
फॉल्स आएगा, यानी कि जीरो आएगा, ठीक है। एंटर, और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो सॉरी गाइस, मैंने इसको जो है कंट्रोल एस नहीं किया है, ठीक है। चलो कंट्रोल एस कर लिया। अब इसको कंपाइल करना पड़ता है, कंपाइल नहीं कीजिएगा तो अपडेट नहीं करता, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले में जीरो प्रिंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखो या वैल्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल को, यानी कि उस कीवर्ड को, उस वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम वैसे ही कर देता हूँ, मान को नहीं, आपको बताने के लिए हमने यहाँ पे मान को यूज किया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए और यहाँ पे बी, आप ए भी इधर उधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। अब जैसे मैं इक्वल टू यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे आंसर में देगा, डबल डालिएगा तो जाके ये क्या बोलता है, क्या बोल, सॉरी सॉरी यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप ग्रेटर का भी कर सकते हो, ग्रेटर इक्वल का भी कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रेटर और ग्रेटर देन, और यहाँ पे आप इसका भी यूज कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। मैं सिंगल यही ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और ऑपरेटर को चेक करता हूँ, ठीक है। एंड का आपको समझ में आ गया, अब और को चेक करते हैं, ठीक है। तो हम और के लिए आप जो स्लैश का जो सिंबल होता है उसी को शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो और आ जाएगा। तो अब देखो, आप बताओ आंसर में क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो सही बोल रहा है, और ए ग्रेटर देन बी, तो दोनों ट्रू है, तो यानी कि आंसर में ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। ओके, तो आंसर में हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, देख लेते हैं, यानी कि वन प्रिंट करेगा, ट्रू नहीं लिखा हुआ आता, वन वन लिखा हुआ आएगा, वन जीरो के फॉर्म में आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेस देन कर देता हूँ तो भी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका होता है दोनों में से, और ऑपरेटर में क्या बोलता, और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या बोलता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो हम ट्रू प्रिंट कर देंगे, अगर दोनों फॉल्स होता है तो हम आंसर में फॉल्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों फॉल्स हो गया, अब आंसर में आएगा फॉल्स, ओके। ये हम अलग अलग तरीके से कोड करके आपको दिखा रहे हैं, आप एक एक करके कोड को लिखिएगा और खुद से कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर मैं इस मल्टीपल में करूंगा तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं सिंगल पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ ए लेस देन बी, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारा जो है फॉल्स है, ठीक है। तो डिस्प्ले में फॉल्स प्रिंट करना चाहिए, तो हाँ फॉल्स प्रिंट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, जब हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे तुरंत ही, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो फॉल्स आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करना, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर लिया, ठीक है, सॉरी सॉरी नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर लिया, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का ये सिंबल कहाँ से, आप किसको किस प्रकार से लिखिएगा, शिफ्ट के साथ वन को प्रेस कीजिएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंपाइल करते हैं और उसके बाद हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट में वन दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी कर दूं, ठीक है, इक्वल टू का, तो यानी कि सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा हमारा ट्रू, क्यों आएगा, क्योंकि ये तो सिंगल सेम नहीं है, इसी कारण ये ट्रू देगा, देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दे तो आंसर में सही देगा, क्योंकि सिक्स फोर के बराबर है कि बराबर है या नहीं है, नहीं है मेरे भाई, बराबर तो है ही नहीं, ठीक है। तो वो अगर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा देंगे तो बराबर दिखाएगा, ठीक है, अगर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा, ओके। अब मैं एक और चीज को यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में क्या देगा बताओ, यहाँ पे डिस्प्ले में देगा ट्रू, ओके, क्योंकि ए टू ग्रेटर है, ग्रेटर चेक कर लिया, एक टू ट्रू है और इक्वल टू नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो उसको पता चल गया ना, तो उसी के अनुसार ये आंसर में देना देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देखो अब यहाँ, ओके,
तो यहाँ पे ट्रू ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा देता हूँ तो यहाँ पे आंसर में देगा फॉल्स, ठीक है। तो डिस्प्ले में अगर रियल तरीके से ट्रू देता है तो वहां पे मतलब उसको उल्टा करने के लिए, यानी कि इसका उल्टा दिमाग चलता है, ट्रू को ट्रू, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, ठीक है। इसका उल्टा तरीके से दिमाग चलता है, ठीक है। यही सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स दे दिया। तो हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया और काफी सारा कोड किया। उस सभी कोड को आप नोट कीजिएगा और खुद खुद के कंप्यूटर या खुद के सिस्टम पे आप इसको ट्राई कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगे लाइक और कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले आप कहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रहा है। उस तरीके से मैं वीडियो को और भी अच्छे तरीके से बनाने का कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।